हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अहसन और सीएसएस की एक और क्लास में वेलकम। और इस क्लास में हम स्टाइलिंग इमेज के बारे में देखेंगे कि हम इमेज को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं सीएसएस में, उसकी हाइट, वेट, बॉर्डर। तो मैं अब अपने फाइल्स ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो इसको मैं अपने एडिटर में भी ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रीमवीवर में ओपन कर लिया है पहले। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने एक इमेज यहाँ पे लगानी है, और मैंने कहाँ पे लगानी है, मैंने वो इमेज लगानी है अपने HTML के कोड में, और उसकी स्टाइलिंग मैं करूँगा इस शीट में जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। वो ये शीट जो है मैं इसको एडिट कर रहा हूँ ड्रीमवीवर में। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ डिव, और इसकी मैं क्लास रख देता हूँ XYZ रख लेता हूँ, आपकी जो मर्जी आप रख लें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि मैं यहाँ पे जेन कोडिंग का यूज़ कर रहा हूँ, और जेन कोडिंग का एक ट्यूटोरियल बना के मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दिया है। और मेरे जो यूट्यूब का चैनल है वो m.sn के नेम पे है। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलती रहे, क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ वीडियोज़ बना के अपलोड कर देता हूँ, साथ साथ मैं वीडियो अपलोड वहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहे साथ साथ। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेता हूँ, इमेज टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं देखता हूँ पहले हमारे फोल्डर पे इमेज कौन कौन सी पड़ी, ये कुछ पड़ी हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको ले लेता हूँ, या इसको मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ। इसका फॉर्मेट जो है वो JPG है, तो मैं इसको सेव करके .jpg में इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, JPG में इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ। और अल्टरनेट हम लिख देते हैं अगर फॉर को इमेज शो ना हो, इमेज ना हो तो हमारा क्या क्या हो, मैं लिख देता हूँ इमेज नॉट अवेलेबल, मैं ये लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ, रन तो है ऑलरेडी, मैं इसको रिलोड ही कर लेता हूँ। ये देखें इमेज नॉट अवेलेबल, कोई मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे, क्योंकि ये अल्टरनेट शो हो रहा है, इमेज नॉट अवेलेबल, नेम भी ठीक है, जे हाँ जी ये फॉर्मेट में गलती हो गई, यहाँ पे JPG लिखना है हमने। अब हमारे इमेज यहाँ पे शो हो गए जाएगी, आप ये देख लें। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ ड्रीमवीवर में। मैं आपको ये बता दूँ कि आप जब हम किसी टैग की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं किसी एलिमेंट की, तो अगर तो वो टैग बार बार यूज़ नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट टैग को एज सेलेक्ट ले लिया करें, जैसा कि मैं यहाँ पे सेव पेस्ट कर सॉरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो आप देखें, अगर आप यहाँ पे इमेज एज सेलेक्ट यूज़ करेंगे तो आप ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट इमेज वाला टैग है इसकी स्टाइलिंग ना हो लेकिन इसकी हो, तो इसके लिए आपको इसकी क्लास बनानी पड़ेगी, या आप जिस तरह मैंने डेव टैग के अंदर क्लास बना के रखी हुई है इसी तरह आप डेव बना लें, या इमेज के अंदर क्लास बना लें, या आप इसकी क्लास अलग से बना लें। इसीलिए अगर आप इमेज लेंगे टैग को एज सेलेक्टर तो क्या होगा, इन दोनों की वो स्टाइल कर देगा। इसीलिए आप इस चीज़ से बचने के लिए हम IDs या क्लास वगैरह बनाते होते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक ही इमेज का टैग है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग को ही एज सेलेक्टर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैं इमेज टैग ले लेता हूँ और ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा के अब मैं यहाँ पर कुछ इमेज की विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ जैसा कि हमने देखा है कि हम विड्थ और बॉर्डर और हाइट देखेंगे, विड्थ मैं लिख देता हूँ इसकी 600 में पिक्सल कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल कर देता हूँ, और मैं इसका बॉर्डर जो लगा देता हूँ वो मैं 4 पिक्सल डॉटेड रेड, ये मैंने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी तो उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें यहाँ पे हमारे एक तो साइज भी कम हो गया और हमारा जो बॉर्डर है वो भी शो हो गया, और हमने जो बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी हम वो इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, मैं कहता हूँ कि 25% में रेडियस हो जाए, आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि
हम क्या करते होते हैं, जो मोज़िला हो गया उसके लिए हम मूज की प्रॉपर्टी यूज़ करते होते हैं, क्योंकि जो CSS3 की प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये जो पुराने वर्जन है इन ब्राउज़र के, वो इनको सपोर्ट नहीं करते। आप जो मैंने ये वेबकैट लगाई है, ये सपोर्ट करेगी सफारी, ओपेरा और क्रोम को। आप जो मैं लगाने वाला हूँ मूज की प्रॉपर्टी, ये करेगी मोज़िला को, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 या उससे कम है उनको ये सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करेगी। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दूँ, आप देखें यहाँ पे इसके बॉर्डर देखें कम हो गए। इसी तरह अगर आप पिक्सल में लेना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ पे पिक्सल में भी ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमारी स्टैरिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना माउस लेके जाऊँ तो इमेज में कुछ चेंजिंग है, जो होवर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी लिंक्स के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा टाइम बच जाए, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कारण लगाऊंगा इमेज के बाद, उसके बाद ये कीवर्ड है होवर, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे माउस लेके जाऊँ, एक तो मेरा जो एक बॉर्डर है वो हो जाए रेड है ना ऑलरेडी, तो इसको मैं कहता हूँ ये हो जाए ब्लू हो जाए, और इसकी चलो हम इतने रखते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि इसकी जो हाइट वेथ है 400 हो जाए, और हाइट जो है 250 हो जाए। अब मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें जो ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो क्या चेंज आते हैं, ये देखें जो ही कर्सर लेके जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने होवर पे डिफाइन किया है इसकी प्रॉपर्टीज, उसी तरह वो शो कर रहा है। ये देखें आप इस तरह कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कि इसकी बॉर्डर रेडियस कम हो जाए या इमेज का साइज वगैरह, जो कुछ है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप यहाँ होवर में स्पेस दे के चेक करें, उम्मीद मुझे लगता है कि ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। जी देखें ये जो होवर वाली प्रॉपर्टी है, होवर कीवर्ड है, इसके पहले हमने स्पेस नहीं देनी, ब्लैंक स्पेस नहीं देनी, चाहे जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे लिस्ट में या चाहे लिंक्स में यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं देनी। तो इसीलिए आपने इसको विदाउट स्पेस ही लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था स्टाइलिंग इमेज के बारे में, आप इस तरह इसको यूज़ करें। मैं एक क्या करता हूँ, एक और इमेज ले लेता हूँ, ताकि फिर हम अगली क्लास में आते हैं, वहाँ पे मैं एक इमेज लेके उनको कुछ फ्लोट की प्रॉपर्टीज यूज़ करने वाला हूँ, ताकि हम दो इमेज ले रहे हैं तो उनको कैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तो अगली क्लास में हम एक और इमेज लेके ना उस पर कुछ स्टाइलिंग करेंगे।